संगम कई तरीके का होता है, लोगों का, खाने का, नदियों का और दो शेफ्स का संगम। यहाँ पे भी एक संगम हो रहा है दो नदियों का, इंडस और ज़ंस्कार। लद्दाखी भाषा में संगम को छुमडो कहते हैं। छुमडो क्या होता है मुझे बताया मेरे एक अजीज दोस्त ने, जिनका नाम है नीमा। ही इज अ जेम ऑफ अ गाय। इतना इंटरेस्टिंग है कि यू विल बी इन फॉर अ सरप्राइज। हे नीमा। जूले जूले, हाउ आर यू मैन? फाइन, बहुत बढ़िया लगा मिलके। अच्छा, आप लोगों को यहाँ लद्दाख में आके बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नीमा मुझे ले आया अपने घर, जहाँ एक खास लद्दाखी दावत की तैयारी हो रही है। खुशबू खींच के ले आई है मेरे को यहाँ पे। मैं आंटी से पूछना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए क्या बना रही हैं। आंटी से नो पा, हमारा चीचू आज जरे नो वो तो लग खोए थुकपा। थुकपा इसकी स्पेशल बात है, सूप की तरह होता है क्या? हाँ, सूप की तरह होता है। तो डिनर में आप लोग सिर्फ थुकपा ही खाते हैं? स्प्रिंग अनियन डाले आंटी ने। खुशबू ही अलग आ रही है। ये हांडी जो है पीतल की, तो इसका इसमें क्यों बनाते हैं? ट्रेडिशनल खाना बनता है या रोज़ आते हैं? इसमें टेस्ट आपको डिफरेंट मिलेगा, टेस्ट डिफरेंट मिलेगा और उसके बाद खाना जल्दी से खराब नहीं होता। थुकपा का असली स्वाद तब आता है जब उसमें पतले आटे के टुकड़े या पापे डाले जाते हैं। थुकपा की खुशबू आ रही है ना? हाँ, आपे समा खले पुपे। ये तैयार हो गया है? तैयार हो गया है। हाँ जी, अब इसमें आखिरी चीज डालनी बाकी है सिर्फ। हाँ, आखिरी चीज अभी पापे बेलने के बाद फिर उसमें पापे डालेंगे लास्ट में, फिर वो बॉईल होने के बाद हम लोगों को तैयार हो जाएगा। पापे बेल, पतला बेलना है उसका? हाँ जी, पतला बेलना। हंड्रेड पापे इन वन मिनट। थुकपा पक रहा है और ओखली में मैं ये चटनी बना रहा हूँ। क्या क्या है इसमें? इसमें है अदरक, लहसुन, मिर्च और काफी सारी चीजें डाला हुआ है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। सीक्रेट रेसिपी चाहिए मेरे को। मैं वो एप्रिकॉट का थोड़ा ड्राई पाउडर डाला हुआ है। एप्रिकॉट का ड्राई पाउडर, ये सीक्रेट था ना इस रेसिपी का? हाँ जी, हाँ जी। भाई इतना अच्छा खाना बन रहा है, नीमा जैसे बेहतरीन लोग हैं और आज की शाम में और भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो कुछ नई धुने, कुछ नए पल, कुछ नए फ्रेंड्स बनाने बनते हैं। भाई मेरी धुन तो बज रही है यहाँ पे, तो चलिए बैठते हैं और खाने के मज़े लेते हैं। लद्दाख में खाना खाने से पहले भगवान को याद किया जाता है। अच्छा खाना अच्छे दोस्तों के बगैर इनकम्प्लीट सा है। ये एक मील नहीं है, ये एक संगम है दोस्तों का, फैमिली का, खाने का। नई फैमिली है, नया प्यार, नया संगम है, तो कुक तो खोलनी बनती है ना। ये सब कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आपने ये सोचा कि मैं ऐसा एक ग्रुप चालू कर सकता हूँ? हर इंसान सब कुछ कर सकता है। छोटी सी चीज़ बनाई है मैंने आपके लिए, हाजमोला पापड़।